कितना मज़े का इसका कलर, और ये देखने में भी बहुत मज़े का होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं अपने किचन के अंदर आपको एक बहुत ही मज़े की जलफरेजी, बहुत ही मज़े की डिश, चाइनीज़ डिश जलफरेजी देसी स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ। इसके अंदर स्पेशल ये है कि इसमें फ्रेंच फ्राइज डालेंगे, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बहुत ही यमी इसका टेस्ट होता है, और आप बॉयल्ड राइस के साथ आराम से खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ 2-3 आलू के लेके धो के काट के और नमक लगा के इसको फ्राई कर लिया है। फ्रेंच फ्राइज़ जैसे फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं वैसे ही ये रेडी हो गए हैं। यहाँ पे 2-3 मीडियम आलू के आप बना लें। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, चिकन 1/2 kg है। चिकन को जो है वो मैंने जूनियर कटिंग में जैसे होता है वो काटा हुआ है यहाँ पे, और ये पूरा 1 ब्रेस्ट पीस है 1/2 kg का, तो उसको मैंने इस तरह से कट करके वॉश करके रख लिया है। और यहाँ पे मैंने टोमेटोज़ ले ली हैं। टमाटर को मैंने छील के, 3 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए हैं, उसको छील के और उसको जूनियर कटिंग में काट लिया है, सीड्स ने फेंक दिए इसके, तो ये 1/2 cup से ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 cup अनियन, जूनियर कटिंग में जैसे हम काटते हैं वैसे ही कटा हुआ है ये। 1 मीडियम साइज़ का अनियन लेके आप उसको इस तरह से काट लें, 1 cup से थोड़ा कम है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, हरी मिर्ची बड़ी वाली, इसको मैंने वॉश करके काट लिया है और इसकी भी जूनियर कटिंग में आपको नज़र आ रहा होगा, इसको जूनियर कटिंग में काटा हुआ है। 1/4 cup इसको भी ले लिया है, और ये देखिए 1/4 से थोड़ा सा ऊपर ही है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितना भी मर्जी चाहे आप चिकन अपने हिसाब से, टमाटर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, प्याज आपको ज़्यादा पसंद है आप प्याज ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, और पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1/2 cup ऑयल ऐड करूंगी। 1/2 cup ऑयल के अंदर मैं ये डालूंगी चिकन। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं एक अच्छा सा मिक्स करूंगी और इसको फ्राई करूंगी चिकन को। वन एंड 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 2 tsp नमक, मैंने 1/2 teaspoon डाला, मैंने रेड चिली पाउडर 1.5 teaspoon, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप ज़्यादा भी डाल, और गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon। अंदर आप 1/2 cup वाटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे, 20 मिनट तक इसको पकने देंगे। ये देखिए चिकन जो है गल गया है, बीच में मैं चम्मच चलाती रही हूँ और ये आप देख रहे हैं चिकन गल गया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर अनियन, अनियन के बाद टमाटोस, हरी मिर्चें, और ये मज़ेदार सी इसमें फ्रेंच फ्राइज, बस इसको अच्छा सा मिक्स करना है। देखिए कितना मज़े का इसका कलर, और ये देखने में भी बहुत मज़े का होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है बॉइल्ड राइस के साथ। तो बस अब आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, और ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि उनको चिकन भी बहुत पसंद होता है और फ्रेंच फ्राइज भी पसंद होते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करेगा। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके 10 मिनट्स तक इसको पकाना है। ये देखिए हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है, और ये देखिए
और ये रेडी हो गया। कितनी जल्दी ये तैयार हो जाता है ये देखा आपने, और इतने मज़े के फ्रेंच फ्राइज इसके अंदर। और मैं तो मुंह में पानी आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए चिकन जल फ्रेजी रेडी हो गया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा बहुत ही मज़े का बनता है कि आप इसको हर वीकेंड ज़रूर बनाएंगे। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिया हुआ बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।